हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं मंगल आप सभी का उद्योग अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए समाचार और दूरी का पार्ट टू लेकर उपस्थित हूं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ पर डिस्कशन करेंगे। लगभग चाल समय और दूरी से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं उनके टाइप के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को ध्यान से देखिएगा। शुरू से अंत तक आप लोग साथ में बने रहिएगा, क्योंकि लगभग जितनी प्रकार की चाल समय दूरी की सवालें होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हमने इंक्लूड किया हुआ है अपने इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर किए हम अपने पहले प्रश्न की चलते हैं, और ये रहा आपकी स्क्रीन पर हमारा पहला प्रश्न आज का। कह रहा है, रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल से वापस लौट आता है, तो कुल यात्रा में उसकी औसत चाल क्या थी। भैया देखो, आपको हम ट्रिक और बेस दोनों चीज़ों को आज हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो जिनमें ट्रिक चलता है ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रिक और दोनों चीज़ें बताएंगे। जैसे इस तरह की सवालों में कह रहा रमेश 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्कूल जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो भैया इस तरह की सवालों को सॉल्व करने का एक फार्मूला भी है जिसे ट्रिक कह सकते हो आप लोग। जैसे जाने की गति ए हो गई, लौटने की गति बी हो गई, तो इसका फार्मूला है 2ab/a+b। ठीक है, अगर आप इस फार्मूले का भी उपयोग करते हो तो इसकी औसत चाल आपको मिल जाएगी। तो जैसे निकाल लीजिए औसत चाल 2 * जाते समय 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, लौटते समय 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, प्लस 30 प्लस 60, तो भैया कितना हो गया, 60 30 90। 2 * 30 * 60 / 90 काट दो, 30 3 90, 3 × 6 = 20 × 40 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी चाल हो गई। दूसरा मेथड देखो भाई, माना जा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आया। भैया 30 की चाल से गया और 60 की आया, तो जो गया समान दूरी को गया, तो भैया इनका लासा कितना हो गया, 60 हो गया। तो जाने में कितना समय लगा भैया, 3 × 30 = 60 2 घंटे, लौटने में 60 × 1 = 60, कुल लगा कितना समय, 2 1 3 घंटे का समय लगा बाबू। और ये 60 किलोमीटर गया और 60 ही तो आएगा भाई, ये से भी अगर हम ये 60 जा रहा है तो वापसी भी तो 60 ही करेगा ना। तो भैया कुल दूरी कितनी हो गई, 60 जाने में प्लस 60 आने में, 60 + 60 = कितनी दूरी हो गई, 120 किलोमीटर। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हो गई 120, कुल समय लगा 3 घंटा, 3 × 3 = 40 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी औसत चाल हो गई, कन्फर्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई साइकिल सवार 3 आसमान चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा की समान दूरी तय करता है, तो कुल दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी। भैया इस तरह के औसत चाल के लिए सवाल फार्मूला है 3ABC/AB + BC + C। ठीक है, तो सीधा सीधा रख दीजिए, 3 * a कितना है बाबू, 10, b कितना है 15 और c कितना है 12 अपान ए बी, ए और बी, ए बी का गुणा हो जाएगा 15 × 150 * BC, 12 और 15 का गुणा हो जाएगा 12 × 15 में होता है 180, प्लस सी ए का गुणा हो जाएगा तो 10 और आपका 12 का गुणा हो जाएगा तो 120। भैया ऊपर का अगर गुणा कराएंगे आप तो देखो 15 × 3 = 45, 45 * 45 में तो भैया 1 0 पहले लिख दो। ठीक है, 12 × 5 = 60, 0 + 6 12 * 48 = 54। ठीक है, बटे इन तीनों को जोड़ लीजिए भैया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए था जोड़ लीजिए, 180 और 120 हो गया 300, और 300 प्लस 150 कितना हो गया, 450। अब 1 0 से 1 0 कट गया भैया, 5 * 9 = 45, 5 * 5 = 0 = 48, 9 * 9 = 18। ठीक है, आपका आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी औसत चाल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है, एक गाड़ी 3 3 किलोमीटर की चाल लगातार दूरियों को 10 20 30 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो गाड़ी की औसत चाल क्या होगा। देखो भैया यहाँ पर वो फार्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि दूरी तो समान है लेकिन चाल असमान है।
ठीक है, तीन तीन किलोमीटर की चार दूरियों को अलग अलग गज से तय कर रहा है भैया। तो भैया पहला 3 किलोमीटर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जाएगा, 3/10 घंटे का समय लगेगा। प्लस अगला 3 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 3/20 घंटे लगेंगे। अगला 3 किलोमीटर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल गया, और लास्ट 3 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया। तीन का क्या कर लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे बाबू। एलसीएम हो गया 60 दशम 60, तो 6 3 18 + 20 3 60 तो 3 3 9, 30 2 60 3 2 6 60 1 60 1 3 3, ठीक है बाबू। तो आपका टोटल जोड़ हो गया कितना, 18 9 27 27 3 30 6 36/60, इतना घंटे का समय लगा। और कुल दूरी कितनी हो गई बाबू, कुल दूरी कितनी हो गई भाई, 3 3 किलोमीटर 4 बार है, तो कुल कितनी हो गई, 12 किलोमीटर की दूरी हो गई। तो भैया औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर कुल दूरी हो गई 12, कुल समय हो गया 36/60। अब ध्यान दीजिए, जहाँ पर कभी भी ऊपर की संख्या पूर्ण संख्या हो और नीचे की संख्या भिन्नात्मक हो, अर्थात कभी भी पूर्ण बटे का बटा हो, तो संख्या क्या होती है, पलटकर गुणा हो जाती, तो हो जाएगा 12 × 60/36 काट दीजिए, 12 3 36 3 2 6 20 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी औसत चाल थी। ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आपका आपके इसी स्नेह प्यार से हमें और भी आगे काम करने में ताकत मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राम श्याम तथा मोहन किसी यात्रा पर निकले, राम श्याम तथा मोहन किसी यात्रा पर निकले, राम ने 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 1 घंटा तक, श्याम ने 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे तक, तथा मोहन ने 52 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 3 घंटे तक गाड़ी चलाई, तो पूरे सफर की औसत गति क्या थी। भाई औसत गति चाहिए तो कुल दूरी बटे कुल समय तो होता ही है, पहले दूरी निकाल लो भैया, दूरी निकाल लो भैया। राम चला 50 किलोमीटर की गति से 1 घंटे, तो कितनी दूरी गया, 50 किलोमीटर। श्याम चला किस गति से, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 घंटे तक, 48 × 96, ठीक है 96 किलोमीटर चला। फिर मोहन की बारी आई, मोहन चला भैया, मोहन चला 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितनी देर, 3 घंटे चला, इसका भी 3 × 6 3 × 5 15 156 किलोमीटर, तो भैया कुल दूरी निकाल लो, 6 6 12 की 2 हासिल 1 9 1 10 10 20 की 0 हासिल 2 2 1 3 302 किलोमीटर की कुल दूरी थी। ठीक भैया 302 किलोमीटर की कुल दूरी थी, और कुल समय कितना लगा, 3 2 5 1 6 घंटे तक चले हैं, और 302 किलोमीटर, तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, 302 बटे 6 6 5 30 नहीं जाएगा 10 0 बढ़ा, ठीक है 6 3 18 2 20 6 3 18 2 20, अर्थात 50.33 किलोमीटर प्रति घंटा इनकी औसत चाल हो जाएगी। ठीक है, इसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 50.3 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुबोध अपने घर से स्कूल की ओर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौट आता है, ठीक है, उसे जाने और वापस आने में कुल 5 घंटे का समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है। भैया पता नहीं कितनी दूरी है, तो इसके पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। अगर आप इसे फार्मूला पे भी लगाना चाहें तो फार्मूले पे भी यह सवाल लगेगी, फार्मूला वही आपका पहला लगेगा, 2ab / a + b × टाइम, ठीक है। तो अगर फार्मूले पर लगाएंगे तो 2 × 30 किलोमीटर प्रति घंटा गया, 20 आया, और 30 20 50 × टाइम 5 घंटे काट दीजिए भैया, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 कट गया, 30 × 60 किलोमीटर की दूरी थी इसकी। राकेश यात्रा के 2/3 भाग 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो यदि पूरी यात्रा में उसे कुल 42 मिनट का समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है।
भाई देखो, तय की गई दूरी तो आपको पता नहीं था, तय की गई दूरी हमारा दूरी बराबर कितनी है, यक्ष है, और यक्ष का 2/3 भाग गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसी यक्ष का शेष भाग कितना बचा भाई, किसी चीज़ के 3 टुकड़े हुए, 3 टुकड़े में 2 टुकड़े निकल गए, कितना बचा, 1 टुकड़ा, अर्थात 1/3 भाग गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और कुल समय लगा 42 मिनट का। बिन ये देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय मिनट में है, तो इसे घंटे में बदल लेंगे, घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से हम भाग करा देंगे, काट दीजिए 42 6 60। और जब अभी बताया हम जस्ट आपको कि जब कोई भी चीज़ बटे का बटा होता है पलट कर गुणा हो जाती थी, नीचे वाली संख्या पूर्ण है ऊपर बटे में है तो पलट जाएगी, नीचे वाली पलट के जाएगी, जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका ऊपर हो गया 2x/3 × 1/4 प्लस x/3 × 1/5 = 7/10। इनका इनको सरल कर लेंगे बाबू और ज़्यादा, तो आपका ये हो जाएगा 2x/4 = 12 प्लस x/15 = 7/10। सरल कर लीजिए, लासा हो गया 60 12 5 60 5 2 10, x+15 = 60 4 1 4 बराबर 7/10। काट दीजिए भैया, ठीक है, 10 4 14 x/60 बराबर 7/10, 7 1 7 7 2 14 2 3 6 8 10 3 3 यक्स बराबर 3 किलोमीटर। भैया वहाँ की इसकी जो टोटल दूरी थी वो कितनी थी, 3 किलोमीटर थी। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम कह रहा है कि एक व्यक्ति बिंदु ए से बी तक की दूरी दूरी का आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा शेष 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, पूरी यात्रा में 6 घंटे का समय लगता था, ए से बी की दूरी क्या है। चलो भैया निकाल दो फटाक से भाई, आधी यात्रा मतलब x/2 किलोमीटर जाता है किस गति से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, प्लस अगला भैया आधी निकल गई तो आधे तो बची, x+2 जाता है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और कुल कितने समय लगते हैं बराबर 6 घंटे, बस जिसका कुछ नहीं बटा बटा 1 होकर पलट कर गुणा हो जाएगा, x/20 = 40 प्लस x/10 = 20 बराबर 6, लासा हो गया 40 x+20 = 40 2 1 2 x = 6। तो भैया 2 और 1 का जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x/40 = 6 3 1 3 3 2 6 x/40 = 80 भैया दूरी है 80 किलोमीटर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बस पटना से दिल्ली 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा दूसरी बस ठीक उसी समय पटना से दिल्ली 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, पहली बस दिल्ली पहुंचने में दूसरी बस की तुलना में 1 घंटे का कम समय लेती है, तो पटना से दिल्ली की बीच की दूरी बताइए, यक्स किलोमीटर है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई तो कम समय लेगी, और दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ज़्यादा ज़्यादा समय लेगी, तो भैया घटा देंगे हम भाई, माना दूरी यक्स किलोमीटर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल गई माइनस यक्स किलोमीटर दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गई, और समय का अंतर कितना है 1 घंटे का, एलसीएम ले लीजिए भैया, तो 50 40 का लासा हो जाएगा कितना 200, ठीक है, 0 से 0 कट गया 4 5 20 5x-0 0 कट गया 5 6 20 4x = 1, तो 5 में 4 गई x/200 बराबर x/200 किलोमीटर इनकी दूरी है। ओके भैया चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया कह रहा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर अंकिता अपने स्कूल नियत समय पर से 7 मिनट देरी से पहुंचती है, यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती, उसके स्कूल तथा घर की दूरी क्या है। भैया देखो इस तरह की सवालों में क्या करते हैं, हम इनकी चालों का अंतर ले लेते हैं, चालों का अंतर अपान लासा, ठीक है, चालों का अंतर अपान लासा कर लेते हैं और समय का योग कर लेते हैं, चालों का अंतर अपान एलसीएम, ठीक है, बराबर समय का योग, ठीक है। तो देखो चालों का ये देखो पहला गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया तो देखो 7 मिनट देरी से पहुंचा, और जब यही चाल बढ़ा के 6 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, चालों का अंतर कितना है 1 किलोमीटर का, योग कितना है 12, और इसका लासा ले लेंगे भैया 6 5 का लासा 30, तो 1 किलोमीटर माना दूरी x है, x/30 = 7 12/30
ये देखो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, समय मिनट में है, घंटे में बदल लेंगे 60, काट दो 30, एकम 30, 30 दूनी 60, दो तिहाई 6, 6 किलोमीटर की दूरी है। ये तो ये तरीका रहा। दूसरा बेसिकली आप देख लो, माना दूरी x किलोमीटर है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, माइनस वही दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो दोनों का योग निकाल लो भैया 12/60। ये योग आया कैसे, यहाँ पर भी आपका एक कन्फ्यूजन है। तो देखो हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं भाई। देखो अगर x किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर 7 मिनट इसमें और जोड़ दें, सॉरी 7 मिनट इसमें घटा दें, क्योंकि 7 मिनट ज़्यादा समय ले रहा है ना, 7 मिनट अगर इसमें घटा दें टाइम से पहुंच जाएगा। बराबर वही दूरी जब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करते 5 मिनट पहले जाता है तो 5 मिनट बाद में भी आएगा, राइट टाइम पे आएगा। बस इसी चीज़ को सरल कर लिया गया भैया। तो x अपान 5 माइनस 7 को उधर भेजेंगे तो प्लस 7 हो जाएगा, ये इधर आए तो माइनस, x अपान 6 इक्वल टू 5 प्लस 7 हो गया। ठीक, तब आप इसका इसको सरल कर लीजिए तो 5 और 6 का लास हो गया बाबू 30। ठीक है, 5 छंग 30 तो 6 एकम 6 एक्स माइनस 6 पंच 30, 5 एकम 5 एक्स बराबर 12 बटे भैया ये मिनट था तो इसको उसे मिनट था घंटे में बदलेंगे 60/60 कर देंगे तो 12/60। अब सरल कर दीजिए, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, तो आप 6 - 5 गए 1, यक्स अपान 30 इक्वल टू 1/5, 5 एकम 5, 5 छंग 30, यक्स बराबर 6 किलोमीटर इसकी दूरी हुई, कन्फर्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरविंद 2 बजे दोपहर से रवाना होता है और पी से क्यू तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। गोपाल पी से 3 बजे दोपहर रवाना होता है और क्यू की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल चलाता है, तो गोपाल अरविंद को कब पकड़ लेगा। भैया देखो इस तरह की सवाल के लिए अभी हमने इसके पहले के ठीक पहले की वीडियो में आपको बताया था कि जब कोई भी दो वस्तुएँ या दो गाड़ियाँ, दो ट्रेनें, दो व्यक्ति एक ही दिशा में गतिमान होते हैं, ये भी इधर को जा रहा है और ये भी इधर को जा रहा है, तो इनकी चाल आपस में क्या हो जाएंगी, चाल घट जाएगी। ठीक है भैया, जब दोनों एक ही दिशा में गतिमान होगी चाल घट जाएगी, और जब दोनों एक दूसरे के सम्मुख अर्थात विपरीत दिशा में, ए इधर को जाए और ए इधर को आए, तो ऐसी कंडीशन दोनों की चालें आपस में जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो चलिए हम सवाल को लगाते हैं। देखो कह रहा है कि अरविंद दो बजे दोपहर रवाना हुआ पी से क्यू के लिए। अरविंद जो है रवाना हुआ कितने बजे, 2 बजे। ठीक है, 2 बजे रवाना हुआ पी से क्यू के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और गोपाल 3 बजे रवाना हुआ 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब कह रहा है गोपाल अरविंद को कब पकड़ लेगा। पहले ध्यान दीजिए भैया, ए भी इसी दिशा में जा रहा है, ए भी इसी दिशा में, इसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई स्वाभाविक सी बात है जो तेज जाएगा वो जल्दी आगे निकलेगा। लेकिन क्या हुआ, ये 2 बजे चला है और ये 3 बजे चला है, और जब गोपाल चला पी से तब अरविंद कितने, 1 घंटे चल चुका था भाई, 2 और 1 घंटे चल चुका था, तो अरविंद द्वारा 1 घंटे में कितनी दूरी तय की गई, 5 किलोमीटर। ठीक, अब ये 5 किलोमीटर दूरी तय कर गया, अर्थात अरविंद जो यहाँ पर है ये 5 किलोमीटर दूरी पहुँच चुका है। ठीक है, अरविंद 5 किलोमीटर दूर पहुँच के चुका है और अब बज गए 3, तो अब यहाँ से शुरू करता है गोपाल। गोपाल जब इसको यहाँ पकड़ना चाहेगा तो कौन सी दूरी तय करेगा जो पकड़ पाएगा, ये बीच की जो दूरी है 5 किलोमीटर की, इसी को तय कर लेगा पकड़ पाएगा। और भाई अभी बताया ना चीचाले आपस में घट जाएंगी, क्योंकि 5 किलोमीटर तो जा भी रहा है, 5 किलोमीटर इसका इसलिए ख़त्म हो जाएगा कि 5 से 5 उसका समाप्त कर दे रहा है, क्योंकि 5 किलोमीटर ये बढ़त 5 किलोमीटर वो और बढ़ गया, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसी से कवर करेगा। तो भैया चाले आपस में घट गई, 10 में से 5 गए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गई, और बीच की दूरी भी है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चाल को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा, 5 एकम 5, 1 घंटे का समय लगेगा। कह रहा है गोपाल अरविंद को कब पकड़ेगा, तो भैया 3 बजे चला है, 3 बजे चला है तो पकड़ेगा कब, 3+1 अर्थात 4 बजे उसे पकड़ लेगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप हमारे लाइक कर दीजिए,
साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, और अपने दोस्तों में वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।